दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बर्थडे अगर आपको किसी को विश करना चाहे, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, रिलेटिव है, घर में से किसी का भी बर्थडे है वो आपको विश करना है, उनका नाम लिख के नाम के ऊपर ही उनकी वीडियो या फोटो अगर आपको ऐड करनी है तो वो काइन मास्टर पर आपको बर्थडे वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे मैं आपको वीडियो पे बताने वाला। फर्स्टली दोस्तों आपको काइन मास्टर ओपन करना है, यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करना है दोस्तों आपको यहाँ पे जो रेशियो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ वीडियो का वो रेशियो में आपको सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों फर्स्टली आपको इमेज पे जाके वीडियो बैकग्राउंड है जो उनकी ब्लैक लेनी है आपको, जितना भी आपको 10 12 15 सेकंड का जितना भी वीडियो बनाना वो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का लेंथ कर लेना। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्टली लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने में आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे हैप्पी लिख देना, हैप्पी लिखने ओके करना। ओके के बाद आपको इसका साइज है जो यहाँ पे स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको लिखना हैप्पी बर्थडे, जिसका भी नाम लिखना वो आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर लेना। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आउटलाइन में चले जाना, यहाँ पे आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपको कलर इनेबल कर देना, इनेबल आपको वाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको इसका रेशियो जो कम कर लेना, यहाँ पे आपको 15 आपको 10 या 11 रेशियो इसका कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पूरा यहाँ पे रीड हो रहा। अब दोस्तों दोबारा आपको इसका साइज अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग रख लेना। अब दोस्तों दोबारा आपको क्या करना है, इसका जो नीचे है वो वीडियो जितना जितना वीडियो हो टेक्स्ट का साइज उतना कर लेना। अब दोबारा आपको लेयर पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट पे बर्थडे लिख देना, ओके कर देना। यहाँ पे इसका साइज है जो अब आपको अपने अकॉर्डिंग इसके रख लेना। अब दोस्तों आपको दोबारा यहाँ पे आउटलाइन में चले जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलाइन आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने आपको कलर इसका वाइट दोबारा सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे इसका रेशो मैंने आपको बताया 10 से 11 आपको कर लेना कि अच्छे से रीड हो सके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका नीचे टेक्स्ट का साइज भी आपको जितना वीडियो टेक्स्ट का साइज भी आपको उतना कर लेना है। दोबारा आपको लेयर में जाके टेक्स्ट पे चले जाना, यहाँ पे आप लेयर पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करके जिसका भी नाम लिखना हो, हैप्पी बर्थडे आपने लिख दिया, आप जिसका भी नाम लिखना हो, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ब्रदर का, सिस्टर का, जिसका भी नाम लिखना हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। साइज आपको जितना उतना ही देना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हैप्पी बर्थडे जिसका भी नाम हो वो आपको अब दोबारा आउटलाइन में जाके आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा आपको टेक्स्ट का साइज जितना वीडियो उतना आपको कर देना है। अब दोस्तों तीनों जो लिखे वर्ड वो आपको अच्छे से रीड हो इसलिए आपको पूरा उनका जो वीडियो पे तीनों वर्ड है वो अच्छे से आ जाके इसलिए आपको एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आप देखें आउटलाइन पे आपको मैंने आपको बताया कि रेशियो आपको 10 से 11 ही रखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेयर पे चले जाना, मीडिया पे चले जाना। अब टेक्स्ट पे जिसका भी वीडियो लगाना हो वो आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। हैप्पी बर्थडे लिखिए आप जिसका भी वीडियो लगाना हो, ब्रदर का, सिस्टर का, घर में से जिसका भी आपका बर्थडे हो उसका वीडियो आपको उठा के टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही दोस्तों अब मेन पॉइंट है, अब आपको ध्यान से वीडियो देखना होगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फोटो है जो वीडियो है वो आपको पूरा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना, ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई मिलेगा, आपको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कैपेसिटी इसकी आपको 100% ही रहने देनी है। दोबारा आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब दोबारा आपको यहाँ पे मीडिया पे चले जाना, दोबारा वही आपको वीडियो उठाना जो आपने पहले भी उठाया, जिसका भी बर्थडे हो उसका ही वीडियो आपको यहाँ पे पूरा आपको लगा देना, जिसका भी बर्थडे हो उसका आपको वीडियो यहाँ पे एडजस्ट करना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका भी बर्थडे हो उनका नाम, नाम के ऊपर ही उन्हीं का ही वीडियो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दिया, इसके रिगार्डिंग अब मैं आपको प्ले करके भी वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो का मैंने वॉल्यूम म्यूट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि कॉपीराइट आएगा, मैंने फर्स्ट में आपको वीडियो दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत आए वीडियो बनाने में तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर